दोस्तों रिव्यू करेंगे इस वीडियो में लूपी हिस्ट डीएम प्लस सिरप के बारे में, लिक्विड के बारे में। भाई क्या है, कहाँ दी जाती है, कौन सी प्रॉब्लम काम करती है, किस तरह से काम करती है, साइड इफेक्ट क्या होते हैं, कितना देना चाहिए, डोज क्या है, जानेंगे सब कुछ। सो देखिएगा, देखिए लूपी हिस्ट डीएम प्लस सिरप एक ब्रांड नेम है लुपिन कंपनी का। लुपिन कंपनी बनाती है, हर केमिस्ट स्टोर पर आसानी से मिल भी जाती है। इसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं बड़े व्यक्ति, बड़े लोगों में, तो सेल्फ यूज नहीं की जाती, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बात करें भाई कहाँ दी जाती है, कौन सी प्रॉब्लम काम आती है, तो दोस्तों ये सूखी खांसी में दी जाने वाली पीने की सिरप आती है, बड़े व्यक्ति में दी जाती है। ड्राई कफ की प्रॉब्लम में दी जाती है। सूखी खांसी आती है, दासी सी आती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, चेस्ट में दर्द होने लगता है, इतनी खांसी अगर आ रही व्यक्ति तो वहाँ दी जाती है सूखी खांसी प्रॉब्लम में। अगर गले में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, गले में खरखर रहती है, नाक से पानी आ रहा है, एंटी कोल्ड भी है, नाक बंद है, तो वहाँ पर भी ये काम करती है। बंद नाक में, सूखी खांसी में, जकड़न में, डी कंजस्टेंट में काम करती है। बात करें भाई काम किस तरह से करती है, मोड ऑफ एक्शन क्या है, तो दोस्तों इसके अंदर आते हैं तीन सोल्ट। पहला है डेक्सामेथोरफेन, दूसरा है फेनिला प्रिन, और तीसरा दोस्तों क्लोराफेनिरामिन। डेक्सामेथोरफेन एंटी एलर्जिक सोल्ट है, एलर्जिक प्रॉब्लम काम करता है। फेनिला प्रिन दोस्तों एंटी कोल्ड है, नाक से पानी आ रहा है, नाक बंद है, वहां काम करता है, गले की प्रॉब्लम में काम करता है, बंद नाक को खोलता है। क्लोराफेनिरामिन दोस्तों एंटी हिस्टामिन सोल्ट है, हिस्टामिन नाम के रसायन को बने से रोकता है, जो कि इन सभी प्रॉब्लम के पीछे कारण बन सकता है। तो हिस्टामिन की वजह से ये प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ये एंटी हिस्टामिन सोल्ट क्लोराफेनिरामिन साथ में दिया जाता है। बात करें भाई डोज के बारे में, तो दोस्तों बड़ा व्यक्ति है तो वो इसकी 5-5 ml दिन में 2 से 3 बार ले सकता है खाने के बाद, मैक्सिमम दिन में 3 बार। जाने साइड इफेक्ट के बारे में, तो एलोपैथी मेडिसिन है, थोड़े बहुत साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि सर भारी हो सकता है, सर में दर्द रह सकता है, वॉमिटिंग वगैरह, हल्का सा चेस्ट में पेन हो सकता है, लेकिन यह हर किसी व्यक्ति में नहीं होते, बहुत ही कम चांस में होते हैं, घबराने की बात नहीं है। सावधानी बची है, डॉक्टरी की सलाह से लेना है, सेल्फ यूज नहीं करना है। अगर कोई महिला प्रेगनेंसी में, ब्रेस्टफीडिंग में, तो वहाँ पर भी डॉक्टरी की सलाह से लेना चाहिए, बच्चे के लिए अच्छा रहता है। तो दोस्तों इधर संपूर्ण रिव्यू, वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कुछ भी समझा लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में।